हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बातचीत में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम सेकंड्स के अंदर करेंगे जिसका फर्स्ट डिजिट सेम हो एंड लास्ट डिजिट मिलके 10 बनाता हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 23 × 27, पहला डिजिट सेम है, टू है दोनों का डिजिट, तो लास्ट का जो डिजिट है वो दोनों का एडिशन कर देंगे तो मिल जाता है, बन जाता है हमारा एन। तो आइए देखते हैं कैसे उसको हम देखो करना क्या है। जो फर्स्ट डिजिट है उसका नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे टू और टू का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, थ्री, तो टू और थ्री मल्टीप्लीकेशन करके कितना आता है, सिक्स। सिंपली हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्स लिखेंगे और लास्ट के जो डिजिट है उनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। थ्री और सेवन का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 21। तो आप देख पा रहे हो कितने सिंपली तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर फैशन में 15 × 15 है, तो यहाँ पे पहला डिजिट है वन, तो वन का दूसरा, वन का नेक्स्ट नंबर होता है टू, तो वन और टू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा टू, और 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 25। उसके बाद देखते हैं 92 एंड 98। 9 यहाँ पे देखो पहला नंबर 9 है, पहला डिजिट 9 है, तो 9 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 10 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा 90। तो यहाँ पे हमें पहले लिखना है 90 और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 और 8 का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 16, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 16। सिमिलर फैशन में यहाँ पे 3 है फर्स्ट डिजिट, दोनों का सेम है, लास्ट डिजिट मिलकर 10 बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा केस होगा तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट नंबर में तो आंसर आता है 12, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12। तो लास्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 4 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 24 आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24। सिमिलर फैशन में 8 और 8 सेम नंबर, दोनों का लास्ट डिजिट का दोनों का सम जो है 10 आता है, पहले डिजिट के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 9 हो जाएगा 72, लास्ट डिजिट का आपस में मल्टीप्लीकेशन, 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 21। अब एक लोन नंबर ले लेते हैं 3 डिजिट का। तो देखो पहला नंबर यहाँ पे जो है वो 10 है, दोनों का 10 है पहला नंबर, और लास्ट डिजिट मिलके दोनों के 10 बना दिए, 3 और 7 मिलके दोनों को 10 बना देते हैं। तो 10 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 11 होता है, तो 10 का 11 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 110, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 110 और लास्ट डिजिट का आपस में मल्टीप्लीकेशन, 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 21। आप देख सकते हो कितना सिंपली, कितने सिंपल मैनर में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको इसके पीछे का मैथमेटिक्स जानना है तो मेरे चैनल पे जाके आप वैदिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको निकलन सूत्र और प्रक्रिया का कैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड्स के अंदर। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स क्या है भूली भी जा सकती है, लेकिन अगर आपको उसके पीछे का मैथमेटिक्स पता है तो वो आप कभी भी नहीं मिले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।